बिना नोटिस दिए एआरटीओ द्वारा ई रिक्शा पकड़े जाने पर रिक्शा चालकों ने राठ विधायिका को सौंपा ज्ञापन। रिक्शा चालकों ने एआरटीओ द्वारा प्रति ई रिक्शा स्वामियों से 35,000 रुपये वसूली करने का लगाया आरोप। मामला जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली का है, जहां पर ई रिक्शा चालकों को बिना नोटिस दिए ही उनके रिक्शा पकड़ने व रिक्शा छुड़ाने की एवज में 35,000 रुपये की शिकायत राठ विधायिका से की। रिक्शा चालकों ने बताया कि वह अपने रोज की दिनचर्या में रिक्शा चलाकर मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन एआरटीओ द्वारा बिना नोटिस दिए ही रिक्शा पकड़ने और उनके एवं पैसे मांगने को लेकर ई रिक्शा चालक परेशान हैं, और अगर उनका समाधान नहीं हुआ तो वह भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और राठ प्लान करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने शिकायत की, इस संबंध में एआरटीओ से बात की गई और उनसे रिक्शा अधिनियम की जानकारी मांगी गई तो भड़क गए और अपशब्द बोलकर भगा दिया और कहा अगर रिक्शा छुड़वाना है तो 35,000 रुपये दो, नहीं तो कहीं भी शिकायत कर दो। जिस पर आज रिक्शा चालकों ने विधायक मनीष जी की आवाज़ पर एक ज्ञापन सौंपा। रिक्शा चालकों ने अपनी यूनियन का आह्वान करते हुए राठ बड़े पीर साहब की दरगाह में एक मीटिंग भी की, जिसमें समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। विधायक द्वारा समस्या के समाधान हेतु आश्वासन मिलने पर रिक्शा चालकों ने राठ विधायक मनीषा अनुरागी जी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हरिश्चंद्र राजपूत की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हो और विधायक जी से क्या समस्या लेकर आए हो अपनी? हम लेकर के आए हैं समस्या कि हमारे रिक्शे आरटीओ साहब ने बंद कर दिए थाने में 5 रिक्शे, और बोल रहे हैं कि अभी जो है 8 तारीख के बाद में जब मुख्यमंत्री जी की रैली हो जाएगी इसके बाद में उठा करके सब रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे। इस समस्या को लेकर के हम लोग जो है विधायक जी कहाँ आए हैं और अपनी समस्या का हल करने के लिए आए हैं कि हमारे रिक्शे छुड़ा दिए जाएँ। 5 जो रिक्शे हैं, गरीब आदमी हम लोग, रोज के खाने कमाने वाले हैं। इसके संबंध में हमको विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि तुमको जो है रजिस्ट्रेशन में कम से कम पैसा लगेगा आपको, और हम जो है आरटीओ साहब से बात करेंगे, हम और रिक्शे आपको छुड़ा दिए जाएंगे, आपके साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। विधायक जी ने ये हमको आश्वासन दिया है। आप लोग रिक्शे जो है क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? आरटीओ साहब कह रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिटनेस कराइए, बीमा कराइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, ठीक है, उसका खर्च बताया है कि 35,000 से 40,000 रुपये खर्च आएगा आपका। हम लोगों के पास 20,000 के 25,000 के रिक्शे हैं, हम लोग इतना रुपये कहाँ से लाएंगे? रिक्शा भी बैठ देंगे तो रुपये नहीं आ पाएगा हमारे पास। आप जितने रिक्शे चालक के यहाँ से सभी रिक्शा चालक हैं? सभी रिक्शा चालक हैं। कब से रिक्शा चला रहे हो आप लोग? 5-6 साल। एक बात बताइए, आप लोगों का जब रिक्शा पकड़ना शुरू किया तो क्या इसके पहले आपको कोई टाइम दिया गया था या कोई चेतावनी दी गई थी अचानक रिक्शा पकड़ रहे? कोई चेतावनी नहीं। जैसे कि आप तमाम लोग बता रहे हैं रिक्शा आप लोग चलाते हैं और आपकी जीविका रिक्शा पे चलती है, अगर आपके रिक्शे बंद कर दिए गए तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? भूखों मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग गरीब आदमी है, 100-200 रुपए कमाने वाले, उससे हमारा परिवार चलता है। अगर हमारे रिक्शे बंद रहे तो हम तो भूखों मर जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लगाई बंद हो जाएगी, रोड पे आ जाएंगे हम। क्या लगता है आपको, आज विधायक जी ने आपको आश्वासन दिया है, क्या इसका हल हो पाएगा? हमको विधायक जी ने आश्वासन दिया, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। विधायक जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है हमारे साथ न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा। हम यही उम्मीद से आए हैं कि विधायक जी हमारा समाधान करेंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, यही हमारी उम्मीद है विधायक जी से। विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद।